ओके, तो ये है गुलीवर, शर्मीला, आलसी और डरपोक इंसान। सुबह 7 बजे उठकर इसे जाना होता है अपने ऑफिस, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की एक न्यूज़पेपर कंपनी में गुलीवर करता है जॉब, वो भी सिर्फ मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड बनकर। अब एक दिन गुलीवर के ऑफिस में डैन क्विंट नाम का एक नया एम्प्लॉयर आता है, जिसकी गुलीवर से दोस्ती हो जाती है। अब क्योंकि गुलीवर उसका सीनियर है और डैन उसका जूनियर, इसलिए गुलीवर खुद को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, जो कि असल में वो एक फुद्दू किस्म का आदमी है। और ये है मिस डार्सी, जिसके ऊपर गुलीवर अपनी जान छिड़कता है। कई सालों से बेचारा डार्सी के साथ स्वयंवर रचाने के सपने देख रहा है, लेकिन दिल की बात जुबां तक लाने की हिम्मत कहां बेचारे में। अब एक दिन गुलीवर के पास डैन आता है एक नोटिस लेकर, और उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, आज से मैं इस मेलिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ और अब से तुम मेरे जूनियर हो। ये जानने के बाद बेचारे गुलीवर को शौक लगता है, क्योंकि सालों से वो इस ऑफिस में रगड़ रहा है, लेकिन उसका तो कभी प्रमोशन नहीं हुआ और ये कल का लौंडा आते ही बाजी मार गया। गुलीवर का लटका हुआ चेहरा देख डैन उससे कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, बस तुम हो एक फट्टू इंसान जो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाता, और इसलिए आज तक डार्सी भी तुमसे दूर है। अगर ऐसा ही रहा तो वो जाएगी किसी और के साथ और तुम करना प्यार उसके बच्चों के साथ। अब क्योंकि डैन ने गुलीवर की हिम्मत को ललकारा था, इसलिए गुलीवर को आता है गुस्सा और वो पूरी हिम्मत के साथ जा पहुंचता है डार्सी के ऑफिस में। लगता है आज तो गुलीवर अपने दिल की बात कह कर ही रहेगा, लेकिन ये क्या, गुलीवर की तो फिर से हवा निकल गई और वो दुम दबा के ऑफिस से जाने लगा। तभी डार्सी की नजर गुलीवर पर पड़ती है और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए मोटू राम? अब बेचारा गुलीवर हड़बड़ी में एक ट्रैवलिंग फॉर्म उठा लेता है। ये देख डार्सी उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारा भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, और गुलीवर को ट्रैवलिंग के ऊपर कुछ आर्टिकल लिखने को कह देती है। गुलीवर बेचारा, जो कभी न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गया, वो कैसे ट्रैवलिंग पर कुछ भी लिख सकता था? पर क्योंकि डार्सी मैडम ने कहा है, इसलिए गुलीवर पीछे भी तो नहीं हट सकता था। घर पहुंचकर गुलीवर का हाल कुछ यूं होता है कि आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ से आफत आई। लेकिन फिर गुलीवर को आता है एक आइडिया और कंप्यूटर पे जाकर वो शुरू करता है कॉपी पेस्ट का काम। अगले दिन गुलीवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डार्सी को अपने आर्टिकल्स दिखाता है जो चुराए गए थे इंटरनेट से। गुलीवर के आर्टिकल देख डार्सी हो जाती है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस और कहती है, तुम कहाँ थे अब तक छुपे रुस्तम? इसके बाद डार्सी गुलीवर को अपना एक प्रोजेक्ट दे देती है जिस पर वो खुद काम करने वाली थी, और ये प्रोजेक्ट था बरमूडा ट्रायंगल में जाकर उसके ऊपर रिसर्च करते हुए आर्टिकल लिखना। गुलीवर इसके लिए फटाक से राजी हो जाता है, क्योंकि उसके ख्यालों की मलिका उससे इम्प्रेस हुई जा रही थी। अब यहाँ से गुलीवर जा पहुंचता है बरमूडा, जहाँ एक बोट उसका इंतजार कर रही थी। बोट में बैठकर गुलीवर फुल एंजॉय के साथ आगे बढ़ता है, कई सारी कोल्ड ड्रिंक खाली कर देता है और फिर रोबोट बनाने वाली एक बुक को पढ़ने लगता है। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते गुलीवर को नींद आ जाती है। कुछ देर बाद गुलीवर की आंख खुलती है तो उसके सामने एक समुद्री तूफान होता है। गुलीवर की आंखें और मुंह सब के सब फटे रह जाते हैं और वो अपनी बोट समेत उसी तूफान में कहीं गुम हो जाता है। अगले दिन गुलीवर को होश आता है तो उसकी बॉडी पर चींटियां जैसे कुछ रेंग रही होती हैं। वो सर उठाकर देखता है तो ये तो इंसान होते हैं, जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े जितने साइज के थे। गुलीवर की पूरी बॉडी रस्सियों से बंधी हुई थी और उस नन्ही फौज का कैप्टन जनरल एडवर्ड गुलीवर को बताता है, तुम पर इल्जाम है कि तुमने हमारे जानी दुश्मन ब्लेफुसियन की मदद की है, इसलिए तुम्हें कैदी बनाकर हमारे बादशाह सलामत के पास पेश किया जाएगा। गुलीवर को कुछ भी समझ नहीं आता ये सब क्या है, और वो सारी रस्सियों को तोड़कर उठ खड़ा होता है। वो सोचता है कि वो कोई सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी जनरल एडवर्ड अपना भाला लेकर गुलीवर के पैर में दे मारता है। इसके बाद पूरी सेना गुलीवर की रस्सियां पकड़कर खींचने लगती हैं, जिससे उसकी पैंट तो उतरती ही है, साथ ही वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर बेचारे गुलीवर को लकड़ी की गाड़ी पर लेटाकर लिलीपुट साम्राज्य में लाया जाता है। उस राज्य के बच्चे, औरतें सब गुलीवर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो गुलीवर एक राक्षस है। अब राक्षस गुलीवर को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहां जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि ये राक्षस एक ब्लेफुसियन जासूस है जो हमारे दुश्मन राज्य के साथ मिला हुआ है। गुलीवर उनसे कहता है, देखो भैया, मैं कोई ब्लेफुसमैन नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं वो कौन है। लेकिन जनरल एडवर्ड उसकी ये बात किसी के भी सामने चलने नहीं देता, क्योंकि उसे अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाते हुए राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी को जो पटाना था। जनरल एडवर्ड गुलीवर को एक गुफा में बनी हुई जेल में कैद कर देता है, जिसमें उसे खाने के लिए घास फूस दिया जाता है। अब यहाँ पर गुलीवर की मुलाकात होती है होरोशियो नाम के एक और कैदी से, जिसकी खता ये थी कि उसने प्रिंसेस मैरी को प्यार भरी नजरों से देखा था,
और तब से ही उसे बंदी बना लिया गया। यहाँ जब दो कैदी मिलते हैं तो दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है गुलीवर की मजदूरों वाली जिंदगी। उस बेचारे को बैलों की जगह हल में लगाया जाता है और जनरल एडवर्ड उसकी सवारी करता है। फिर एक दिन लिलीपुट साम्राज्य पर दुश्मन राज्य ब्लेफुशियन हमला कर देता है और पूरे महल में आग लगा देता है। हमला देखकर जनरल एडवर्ड सब लोगों से कहता है, हमारी प्रिंसेस को हम बचाएंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। लेकिन दुश्मन सेना के लोग प्रिंसेस को किडनैप कर ही चुके होते हैं। जब तक एडवर्ड वहां पहुंचता तब तक तो प्रिंसेस गायब हो जाती। इसलिए गुलीवर उन सभी लोगों को पानी में फेंक कर प्रिंसेस मैरी को उनसे छुड़ा लेता है। उधर नीचे राजा और उसका सेनापति आग में फंसे होते हैं। गुलीवर उन्हें बचाने जाता है तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी पैंट उतारकर राजा के ऊपर पेशाब करके उन्हें आग से बचा लेता है। एडवर्ड गुस्सा करते हुए राक्षस के पास आता है और उसे कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे राजा के ऊपर पेशाब करने की। इस पर गुलीवर थोड़ा सा स्नान एडवर्ड को भी करा देता है। गुलीवर की इस बहादुरी के लिए राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे खाने के लिए अपने साथ दावत पर बुलाता है। लेकिन गुलीवर उनसे एक शर्त रखता है कि दावत पर वो तभी आएगा जब उसके दोस्त होरेशियो को कैद से आजाद कर दिया जाएगा। राजा उसकी ये शर्त मान लेता है और होरेशियो को आजाद करके उसे भी गुलीवर के साथ दावत पर आने का न्योता देता है। दावत के टाइम राजा गुलीवर से उसके बारे में पूछने लगता है। वो कहता है, प्यारे राक्षस ये बताओ तुम आखिर हो कहां से। इस पर गुलीवर उन्हें बताता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मेरा नाम है गुलीवर और मैं न्यूयॉर्क सिटी से आया हूँ। यहाँ पर सभी लोग गुलीवर को न्यूयॉर्क सिटी का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं, जिसके बाद गुलीवर भी अपनी लंबी लंबी फेंकना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने न्यूयॉर्क में सभी लोगों की जान बचाई थी और इसीलिए आज मैं वहाँ का पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद राजा उससे कहता है, फिर तो तुम्हें अपनी प्रजा की बहुत फिक्र हो रही होगी, हम जल्दी ही तुम्हारी बोट ढूंढ देंगे जिससे तुम वापस अपनी प्रजा के पास जा सको। अब गुलीवर के लिए एक आलीशान बहुत बड़ा घर तैयार कराया जाता है जिसमें सैकड़ों मजदूर हर वक्त उसकी सेवा के लिए लगे रहते हैं ताकि बड़े आराम से गुलीवर यहाँ पर रह सके। एक दिन होरेशियो गुलीवर से पूछता है कि आखिर प्रिंसेस को कैसे इम्प्रेस किया जाए, क्योंकि होरेशियो प्रिंसेस मैरी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए जेल में कैदी बनकर भी तो रह चुका था। गुलीवर जो खुद डार्सी से अपनी बात नहीं कर पाया, वो यहाँ होरेशियो को लड़की पटाने के टिप्स देने लगता है। और मजे की बात तो ये है कि प्रिंसेस भी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। मतलब कुछ भी कहो, गुलीवर तो लव गुरु निकला। हाँ, ये बात अलग है, कभी खुद की लव स्टोरी शुरू ना कर पाया। अब रात को ही जनरल एडवर्ड गुलीवर की बोट को ढूंढ निकालता है, क्योंकि वो जल्द से जल्द गुलीवर को यहाँ से भगाना चाहता था। खबर सुनते ही गुलीवर काफी खुश होता है, क्योंकि वो अब अपने घर डार्सी के पास जा सकता था। गुलीवर आकर देखता है तो उसकी बोट टूटी हुई पड़ी थी, जिसे सही होने में कम से कम एक हफ्ते का वक्त लगेगा। तभी उन लोगों को वहां पर गुलीवर का फोन भी पड़ा मिलता है जो अभी तक ऑन था। गुलीवर अपना फोन उठाता है तो उसमें 12 वॉइस मैसेज पड़े थे जो कि डार्सी के थे। डार्सी को ये पता चल चुका था कि गुलीवर ने वो सारे आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किए थे, इसलिए वो गुलीवर से काफी ज्यादा गुस्सा थी। वॉइस मैसेजेस सुनने के बाद गुलीवर की हालत खराब हो जाती है। वो अब डार्सी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए लिलीपुट में रुकने का ही मन बना लेता है। गुलीवर के रुकने से पूरा साम्राज्य बहुत खुश होता है, सिवाय एडवर्ड को छोड़कर। एडवर्ड नहीं चाहता था कि गुलीवर यहाँ रुके, इसलिए वो राजा के पास जाकर राजा के कान भरने लगता है। इस पर राजा एडवर्ड की बात मानने की जगह गुलीवर को ही पूरे साम्राज्य का जनरल बना देता है। अब से एडवर्ड की जगह गुलीवर ही पूरी साम्राज्य की सुरक्षा देखेगा। अब एक बार फिर ब्लूफुशियन की सेना लिलीपुट पर हमला कर देती है और एडवर्ड को मौका मिल जाता है गुलीवर को नीचा दिखाने का। एडवर्ड पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ही हटा देता है जिससे गुलीवर लिलीपुट को दुश्मन से बचा ना पाए। हमले की खबर सुनकर गुलीवर दुश्मनों को रोकने के लिए आता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में घुस जाता है। पानी में जाकर वो दुश्मनों को समझाता है कि मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं वैसे ही तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा और तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन ब्लेफुशियन के लोग गुलीवर से दोस्ती करने तो आए नहीं थे, इसलिए पूरी सेना उसके ऊपर हमला करने लगती है और ये देख एडवर्ड काफी खुश होता है। लेकिन फिर गुलीवर को गुस्सा आता है और वो दुश्मन के सारे जहाजों की रस्सियां पकड़कर उन्हें पानी के बाहर फेंक देता है और एक बार फिर से गुलीवर की जय जयकार शुरू हो जाती है। राजा एक बार फिर गुलीवर से काफी खुश हो जाता है। अब तो गुलीवर के शौक मौज के लिए और भी अच्छे इंतजाम कर दिए जाते हैं, जिसमें उसकी मसाज करना, बाल काटना सब कुछ शामिल होता है। उधर गुस्से से भरा हुआ एडवर्ड जाकर दुश्मन राज्य ब्लूफुशियन से मिल जाता है
और गुलीवर की बोट से रोबोट बनाने वाली बुक निकालकर एक विशालकाय रोबोट तैयार करता है जिससे गुलीवर को हराया जा सके। ब्लेफुसियन के लोग लिलीपुट पर एक बार फिर से हमला करते हैं और गुलीवर फिर से तैयार है उन छोटे लोगों को हराने के लिए, लेकिन उसका सामना जब एडवर्ड के रोबोट से होता है तो गुलीवर की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि ये रोबोट गुलीवर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। एडवर्ड गुलीवर की पैंट पकड़कर उसे हवा में लटका लेता है और गुलीवर यहाँ पर हार मान लेता है। इससे पूरे लिलीपुट को गुलीवर की सच्चाई का पता चल जाता है। गुलीवर उन्हें खुद बताता है कि वो कोई बहादुर प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है और सिर्फ हवाबाजी के लिए उसने ये बड़ी बड़ी बातें फेंकी थी। तो अब यहाँ से एडवर्ड गुलीवर को बांधकर एक ऐसी जगह फिकवा देता है जहाँ पर आज तक किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की थी। गुलीवर किनारे पर पड़ा होता है तभी एक लड़की उसे गिलास में बंद कर लेती है क्योंकि वो लड़की गुलीवर के आगे बहुत ही विशालकाय थी जिसके सामने गुलीवर भी चींटी जैसा लगता है। वो बच्ची गुलीवर को अपनी डॉल बना लेती है और डॉल के कपड़े पहनाकर उसे बारबी हाउस में छोड़ देती है। इधर गुलीवर को ढूंढती हुई डार्सी भी लिलीपुट में आ पहुंचती है और उसे भी गुलीवर की तरह ही जेल में कैद कर दिया जाता है। डार्सी को देखकर होरेशियो वहां से गुलीवर के पास जा पहुंचता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढते हुए डार्सी यहां पर आई थी और एडवर्ड ने राजा के साथ उसे भी बंदी बना लिया है। ये सुनते ही गुलीवर डार्सी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जेल में आकर गुलीवर डार्सी से मिलता है तब डार्सी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि सच सच बताओ ये सब छोटे लोग कौन है। यहाँ पर गुलीवर डार्सी को शांत करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने डार्सी से झूठ क्यों बोला था और वो उसे कितना प्यार करता है। डार्सी के मिलते ही गुलीवर के अंदर जुनून आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो एडवर्ड से लड़कर लिलीपुट को दुश्मनों से आजाद कराएगा। अगले दिन फिर से रोबोट और गुलीवर का सामना होता है। रोबोट फिर से गुलीवर को मारने लगता है क्योंकि एडवर्ड ने उसे और भी ज्यादा एडवांस कर दिया था। रोबोट बार बार गुलीवर के करंट लगा रहा था जिससे गुलीवर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लेकिन फिर होरेशियो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक रस्सी पे लटक कर रोबोट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर होरेशियो रोबोट के वायर काट देता है जिससे अब रोबोट गुलीवर के करंट नहीं लगा पाता। मौका मिलते ही गुलीवर रोबोट के ऊपर हावी हो जाता है और बड़ी ही आसानी से वो मार मार कर रोबोट को खत्म कर देता है। लिलीपुट की पूरी प्रजा गुलीवर के लिए जोरदार तालियां बजाती है, साथ में होरेशियो के ऊपर भी फूल फेंके जाते हैं। होरेशियो की बहादुरी के लिए राजा अपनी बेटी प्रिंसेस मैरी का हाथ होरेशियो के हाथ में दे देता है। उधर डार्सी भी गुलीवर के झूठ के लिए उसे माफ कर देती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।